सबसे पहले जो है वो हमारा मेन शो है डिमिट्री गोवा करके, जिसका फुल फॉर्म है डिजाइनर मॉडल इन्फ्लुएंसर ट्रांसजेंडर रनवे इंडिया, जिसका मतलब यहाँ पर कोई कैटेगरीज नहीं है, ओपन कैटेगरी है, ऑलराइट, विद मेल फीमेल ऐसा कोई मिस्टर एंड मिसेस का टाइटल नहीं है. सो एवरीबडी हैज गिवन इक्वल राइट्स ओवर हियर, लेट इट बी फ्रॉम द लेस्बियन कम्युनिटी, फ्रॉम द गेज, फ्रॉम द बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, मेल फीमेल, ओपन कैटेगरी, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट और कोई भी उसमें हिस्सा लेके वो कॉन्टेस्ट के अंदर रह सकता है. इवेंट तो मैंने ही ये बनाया, खाली ये चीज़ थी कि बेसिकली ट्रांसजेंडर्स और एलजीबीटी कम्युनिटी को हमेशा अलग कर देते हैं उनका कॉन्टेस्ट, तो मुझे चाहिए था कि जब लाइक फॉर एग्जांपल फैजी आपके बाजू में खड़ा है, रेशल खड़ी है, यू ऑल कैन डिफ्रेंशिएट, दे आर इक्वल विद एवरीबॉडी, सो दैट इज द रीजन. So honestly, like I said, the one thing Imran rightly said, that there is no differentiate, okay? Like no difference. You are just you. And that's what I love about Proventus, which is a company owned by Imran and Natasha. And my favorite Javed Sheikh, designer, Sameer Salmani, and our choreographer. These guys, we have really worked, a long, it has been a very quick and a long thing we have been discussing, and Imran and the team have actually worked really hard for this. So, you know, it's really commendable also that the whole team, the models, be it, nobody has made myself or Rachel feel that, okay, we are different, or because see, this is just a startup. The actual show is yet to come. Yeah, for sure. इसकी तैयारियाँ हम लोग ने बहुत पहले से शुरू की है. इसको हम लोग ने लॉन्च करने के लिए इसको 3 महीने का रिसर्च किया है और भी अभी प्रीकर्सर्स हम अनाउंस करने वाले हैं. बड़ा शो, मेगा शो जो होने वाला है वो नवंबर में है और बहुत सारी तैयारियाँ अभी आपको डेट्स वगैरह धीरे धीरे पता चल जाएगी. ओके, और जावेद सर आपसे जानना चाहूँगा आपकी तरफ से क्या तैयारियाँ होने वाली है आज के शो के बारे में बताइए. किस तरह का डिज़ाइन है जिसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब डायमंड्स लगे हुए कपड़ों पे थोड़ा सा अगर ये तो आप देख ही रहे हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है और ये कलेक्शन बहुत यूनिक है. मैंने काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको बनाने के अंदर, स्पेशली इमरान के लिए. इमरान ने बोला था भाई करना है सॉलिडी कर, तो उसके लिए लगा है, चीज़ें दिख रही हैं और स्टोन वर्क मुझे दिखा रहा था, फैब्रिक तो फैशन क्या है वो चीज़ देखनी है आज आपको. और कैसा एक्सपीरियंस था इमरान के साथ, क्या क्या उन्होंने ब्रीफ किया था या फिर क्या डिमांड थी उनकी, अगर कुछ बताया. नहीं, डिमांड तो बस ये था कि हम लोग जो शो कर रहे हैं वो सक्सेस होना चाहिए हम लोगों का, ताकि हम लोग दिखें, मॉडल्स दिखें, कलेक्शन दिखें, आगे का जो इन लोगों को लेकर आना है वो लोग नज़र आएँ. और इन लोगों को बहुत सपोर्ट है, फैजी का, रैशल का, नताशा, हम लोग टीम है, बहुत अच्छी टीम हम लोग, आप देखिएगा और क्या होगा. रेचल आपसे जानना चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है जिस तरह का इनिशिएटिव, मैं कहूंगा आगे इमरान और नताशा ने और जावेद सर ने जो लिया है. आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ट्रांस विजिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. और मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशन अभी चेंज हो रही है, थिंग्स आर चेंजिंग, देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑल ओवर. लाइक आप अगर कॉरपोरेट फर्म में भी जाइए, सो दे शो डाइवर्सिटी. सो यू नो आई थिंक सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड बी द शो स्टॉपर. एंड लाइक दिस आई वुड जस्ट से कि टूम्स आर नॉट बिल्ड इन वन डे, उसके लिए वक्त लगता है. एंड मुझे बस एक टैगलाइन बोलना है कि वी आर नॉट द क्राउड, वी आर द फेस इन द क्राउड. सो ऑल ऑफ अस स्टैंडिंग ओवर हियर इज नॉट द क्राउड, इज द फेस इन द क्राउड. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो इमरान इज टेकिंग सच इनिशिएटिव्स एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू. It was amazing. Oh my God, I felt like a princess. You can see me. I'm looking like as if, I feel like as if I have to get married only now. You know, so thank you so much. I think so when Jannat was there, who recommended my name. Yeah, thank you so much. Sir, aap kya kehna chahiye? Association ke bare mein kuch bataiye aur... ye actually 2 mahine pehle ki baat hai, Imran mere paas aaya tha. News le ke kuch naya karna hai yaar, yahan pe. Kyunki bahut zyada differences hote hain. ठीक है, मैंने बहुत सारे शो किए हैं. वन टाइटल विच इज कॉल्ड मॉडल
bus. And there are no barricades. Yes, there is no barricades. Absolutely. And I think Shoka's name is Wild. Wild. And I think हम यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा wild खड़े हैं, especially this beautiful creature. देखिए आप जरा, ये बहुत ज़्यादा wild हैं. और मैं wildest हूँ actually. Yeah. ईशान, आप क्या कहना चाहेंगे? Dimitri. इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव आई थिंक कि मतलब इसमें हर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सी मोस्टली क्या होता है फैशन शोज में मेल्स का कैटेगरी रख दिया जाता है फीमेल्स का कैटेगरी रख दिया जाता है लेकिन एलजीबीटी को लोग भूल ही जाते हैं बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सोसाइटी ऑफ आर इंडिया वेल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इमरान आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट जावेद जो ये प्रीकर्सर इवेंट कर रहे हैं डिमेट्री के लिए जो गोवा में होने वाला है और ये एक बहुत ही इंक्लूसिव इवेंट लग रहा है मुझे जहाँ पे कोई बैरियर नहीं है और जेंडर स्पेसिफिकेशंस भी नहीं है सो इट्स अ ग्रेट स्टार्ट और मैं बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ से चालू हो रहा है एंड आई एम अटेंडिंग दिस इवेंट तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई वुड जस्ट लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन और बहुत सारे मॉडल्स बिलोंगिंग टू वट एवर जेंडर दे फील दे आर बिलोंगिंग टू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट तो ये बहुत अच्छी बात है वेल डेफिनेटली आई लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड या वाई नॉट वेल आई फील दैट ऑब्वियसली आई मीन इट इज़ वेरी चैलेंजिंग कि ये इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि ट्रांस मॉडल्स एंड यू नो द एंटायर स्पेक्ट्रम इज सो वाइड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उनको एक जगह मिले बट मैं इमरान और उसकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया है क्योंकि ये बहुत ही नोबल स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन एंड आई रियली विश दैट इट गोज़ अ लॉन्ग वे एंड फाइनली वी रीच अ प्लेस वेयर यू नो एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली